तो जो थर्ड पार्टी है हमारी, सही है, अब ये सही है, थर्ड पार्टी जो है उनके हस्बैंड को भी बुलाते हैं, और उनकी बीवी का ये कहना है कि ये बिल्कुल अच्छी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन इस दफा हमने उनके साथ दिया है राजू गाइड। सो आइए वेलकम करते हैं हम इन, ये ऐसी बीवी के मियाँ है जो बीवी बड़ी सलीका शार है और बड़ा अच्छा पहनती ओढ़ती है, मुझे हमेशा उनके कपड़े बड़े पसंद आते हैं। आई डोंट नो कि उस शॉपिंग में इनके मियाँ का कितना हाथ होता है नहीं, लेकिन हमने कोशिश की है उन हस्बैंड्स को हमने पकड़ने की कोशिश की जो ड्रामे में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या घर में भी वो ये वाला हस्बैंड वाला कैरेक्टर अच्छे से निभा रहे हैं? आइए वेलकम करते हैं फरीदा शब्बीर के मियाँ, शब्बीर जान। अस्सलाम वालेकुम, आज खवातीन भी आई थी, सॉरी आप बताए, इन दोनों ने बताया ये तो रेगुलरली जाते रहते शॉपिंग पे, ये नहीं जाते कभी आप अकेले जाके अपनी बेगम को खुश करने के लिए कोई जोड़ा कोई पर्स या कोई शॉपिंग करके आते? जी बिल्कुल नहीं, सही जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। शब्बीर भाई किसी को बोलते हैं ये ले आना मैं दे दूंगा हमारे पास, नहीं नहीं कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूँ कि मैं लाता हूँ और उसके बाद जो तमाशा होता है उसी वजह से लेके आते हैं, उसी वजह से, और वो भी आके बताएंगे खुद। तमाशा क्या होता है? जो तमाशा होता है मैं क्या बताऊँ, वो आके बताएंगे कि क्या था। मैंने कहा शब्बीर जब जाइएगा मेरे लिए ये लेकर आइएगा और मैं अपने तौर पर लेके आया हूँ, पीछे छुपा के मैंने कहा फरीदा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके मैंने कहा ये देखो ये कर दिया। सिर्फ ये सरप्राइज के लिए ये जाते हैं शॉपिंग करने, इनको सरप्राइज कर दे तो सरप्राइज तो बाद में मुझे होता कि क्या उठा के ले आए। अभी भी जो है ना ये शो इसकी कहानी होगी आगे। ओह छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाहर इन सबकी कहानियां आउट होंगी। हमने तो सोचा था एक ऐसा शो बनाए जो सारे हस्बैंड्स को लगे कि उनको भी बेगबात की शॉपिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आज के शो के बाद क्या होने वाला है।